स्टूडेंट्स, आज हम जिस माध्यम के बारे में बात करेंगे वह है पेस्टल रंग। पेस्टल रंग शुष्क माध्यम के अंतर्गत आते हैं। पेस्टल रंग के बारे में जानने से पहले हम एक बार फिर से शुष्क माध्यम के बारे में समझ लेते हैं। शुष्क माध्यम यानी कि ड्राई मीडियम। इसमें रंग पदार्थ को तेल या जल के साथ मिश्रित ना करके सीधे ही धरातल पर लगाया जाता है। जब एक चित्रकार अपनी चित्र रचना की शिक्षा आरंभ करता है तो उसका प्रारंभिक साधन या कहीं प्रारंभिक माध्यम शुष्क माध्यम ही बनते हैं। शुष्क माध्यम के अंतर्गत पेंसिल, चारकोल, पेंसिल रंग, पेस्टल रंग इत्यादि आते हैं। ये सभी रंग बाजार में आसानी से और सरलता से मिल जाते हैं। ये जितने कार्य करने में सरल होते हैं उतने ही सस्ते भी होते हैं। अब बात करते हैं हम पेस्टल रंग की। पेस्टल रंग में सूखे रंगों का संयोजन कर उनको संयोजित किया जाता है, यानी कि सूखे रंगों को इकट्ठा करके उनको रंगों के रूप में तैयार किया जाता है। पेस्टल रंग एक स्टिक के रूप में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। पेस्टल रंग का अगर प्रकार के बारे में बात की जाए तो पेस्टल रंग दो प्रकार के होते हैं, एक ड्राई पेस्टल, दूसरा ऑयल पेस्टल। ड्राई पेस्टल्स में भी दो प्रकार होते हैं, एक सॉफ्ट पेस्टल्स, दूसरे हार्ड पेस्टल्स। ड्राई पेस्टल्स सूखे रंगों के द्वारा तैयार होते हैं, इनमें स्पष्टीकरण कम होता है और ये कम चमकीले होते हैं। वहीं अगर हम अब बात करते हैं हम ऑयल पेस्टल्स के बारे में। ऑयल पेस्टल में चमकीलापन ज़्यादा होता है और साथ ही स्पष्टीकरण भी ज़्यादा होता है, परंतु एक चित्रकार को इसमें कार्य करने पर थोड़ी सी कठिनता होती है, क्योंकि मिलाने में यानी मिक्सिंग करने में थोड़ा सा मुश्किल आती है। एक क्वेश्चन आता है कि पेस्टल रंग का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ऑयल पेस्टल रंग का सर्वप्रथम प्रयोग लियोनार्डो दा विंसी ने किया था।